H2 के हाईवे पे जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। और यहाँ आसपास फंसे हुए गाड़ी मालिक और ड्राइवर, इनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है, जबकि इनकी समस्या ये है, ये बार बार पूछते हैं अधिकारियों से, तो उनको केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और इनको अभी तक क्या आश्वासन मिला है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या, हम 30 तरीके खड़े हैं यहाँ पे, आए को ना तो गाड़ी है पीछे रोकते ना आगे जाती है गाड़ी, हमारी जेब में पैसे खत्म हो गए, कहाँ से 10,000 रुपये 15,000 रुपये ला गए कि साइड में जाएं। अब बोलते हैं शाम को खुल जाएगा, कल को खुल जाएगा, परसों गाड़ी को लाइन में इधर से घुमाए पीछे ले जाओ, उधर से घुमा के पीछे ले जाओ, कैसे कहाँ कहाँ लेके जाएं गाड़ियों को, इतना परेशान हुए हैं, जेब में पैसा नहीं बच रहा खर्चे के लिए, कहाँ जाएंगे इतना। यहाँ जो पास अधिकारी आपको क्या बता रहे हैं, कब तक ये मार्ग चालू होगा? अभी तो हमको कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, कोई 13 तरीक को बोल रहा, कोई 12 तरीक को बोल रहा, कोई 15 को बोल रहा, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ ड्राइवर जो बता रहे हैं कि इनको अभी तक कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जा रही है कि ये रूट कब तक चालू की जाएगी। इस वक्त जिस पे हम लोग खड़े हैं यही वैकल्पिक मार्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ से सामने तक बन चुका है, और केवल ये आप देखिए जो रास्ता बन के तैयार हो चुका है, और अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बताया जा रहा है कि ये मार्ग कब से चालू कर दी जाएगी। सेकेंड मार्ग भी बनने के लिए कुछ समय लगेंगे। और भी लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, वो हमसे बताएंगे क्या समस्या आ रही है। समस्या सर, मैं चौपारण से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अनिल सिंह है, हम 28 तारीख से फंसे हुए हैं, मेरे पास पॉकेट में खाने के लिए पैसा नहीं है। आश्वासन तो ये रोज दे रहे हैं कि कल चालू होगा, परसों चालू होगा, कल यहाँ अधिकारी भी आए, वो कोई आश्वासन नहीं देखेगा, अपना सिर्फ यहाँ नाश्ता किया वगैरह किया चले गए, या किसी को कोई पब्लिक को या कोई ड्राइवर को नहीं बताए कि हमको कल छूटेगा कि परसों छूटेगा कि नरसों छूटेगा, और हम लोग को कोई रास्ता नहीं है, और इधर से जिधर से भी जाएंगे हम लोग को 15,000 से कम खर्च नहीं, इसलिए हम लोग लास्ट बॉर्डर पे खड़े हैं, हम लोग को दिल्ली जाना है। आप बता लीजिए कि हम लोग को क्या बताऊँ कि किस तरह की स्थिति से जाएंगे। आपने देखा कि इनकी दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा है, और आज आपको बता दें कि हमारे क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे आने वाले हैं, उसको देखते हुए तेजी से यहाँ पे कार्य की जा रही है। महेंद्रनाथ पांडे, सबसे बड़ा सवाल आज का ये होगा कि ये पुल आखिर टूटा तो टूटा कैसे, लगभग इस पुल को बने 10 वर्ष हुए हैं, फिर ये तीनों का तीनों आप पुल देख सकते हैं, इसका पिलर देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ के हमारे अधिकारी आरोग्य है, असल में उनको मैं रास्ते में पूछा और समस्या दिखाते आ आज सर आप यहाँ आए हैं, क्या किए हैं पूरा करके? हम आज मेरा आना यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 के अंदर जो कर्मनाशा पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ, और भारत का सबसे अहम ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक राजमार्ग है, ऐतिहासिक राजमार्ग है, जैसे कभी शेरशाह सूरी मार्ग और ब्रिटिश काल में ग्रैंड कहा जाता था, वहाँ पर क्षतिग्रस्त होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उसके।